तो मैंने एक बार कहा था इस चैनल में हम लोग वन पीस से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हर एक चीज से मेरा मतलब है हर एक चीज, स्पेशली वो चीज जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मार्क वीन्स फ्रॉम टोक्यो जापान। और क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है ये जो अमेज़न लिली के लोग हैं वे अपने पॉपुलेशन को मेंटेन कैसे रखते हैं? मेरा कहने का ये मतलब है कि अमेज़न लिली में सारी लड़कियां रहती है, राइट? तो कैसे, मतलब बच्चे पेड़ पे तो नहीं उगते ना, रिप्रोडक्शन के लिए एक आदमी तो चाहिए ही होगा। भाई रेली चुप, उसको बदनाम मत करो। अब देखो, इतना वन पीस देखने के बाद या फिर कहूं तो इतने वीडियोस बनाने के बाद मैं एक चीज तो कंफर्म कह सकता हूं कि ओडा माइथोलॉजी से काफी इंस्पिरेशंस लेते हैं और अमेज़न लिली भी एक ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। और इस माइथोलॉजी के हिसाब से एक आइलैंड है जहां पे सिर्फ लड़कियां रहती हैं और ये लोग अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए एक अलग ही मेथड यूज करती हैं और सेम मेथड अमेज़न लिली की फीमेल्स भी यूज करती हैं। अब देखो, इस माइथोलॉजी में जिस आइलैंड के बारे में बात की जा रही है उसमें जो लड़कियां रहती हैं वे लोग लड़के से बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पर नफरत करती हैं। मतलब अगर तुम उनसे आइलैंड के बाहर भी मिलते हो ना तो शायद ही तुम जिंदा बचने वाले हो। अब ऐसा नहीं है कि ये माइथोलॉजी सिर्फ वन पीस में ही यूज किया गया है। जिन लोगों ने वंडर वुमन देखा है या फिर वंडर वुमन की कॉमिक्स पढ़ी है उनको ये आइडिया होगा कि अमेज़न करके एक आइलैंड है जो कि वंडर वुमन का होम टाउन है, जहां से वो बिलोंग करती है, और वहां पे भी सारी लड़कियां रहती है और उनका भी सेम लफड़ा है, मर्दों को मार दो, काट दो, जला दो। हालांकि वन पीस में एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है क्योंकि अमेज़न लिली की ज्यादातर लड़कियों को ये मालूम ही नहीं है कि ये लड़के होते क्या हैं। याद है जब वेलो लूफी को ट्रीट कर रही होती हैं तो उनको लग रहा होता है कि वो भी एक फीमेल है, बल्कि वे लोग उसके मेन पार्ट को मशरूम समझकर उखाड़ रही होती हैं। दर्द होता है यार सोचकर। वो तो अच्छा है अपना लूफी रबर का है, कोई और होता तो उसका पेड़ उखड़ गया होता। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इनको ये नहीं मालूम कि मर्द होते क्या हैं, बस इनको इतना मालूम है कि मर्द नामक जो भी जीव हैं ये हमारे आइलैंड के लिए खतरा है और इनको तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए। इसलिए जब उनको लूफी का एक्चुअल जेंडर मालूम पड़ता है तो वे लोग उसको जेल में बंद कर देती हैं। लेकिन यहाँ रिप्रोडक्शन का ज्ञान सबको नहीं दिया जाता, बल्कि जो कूजा पायरेट्स या फिर जो स्नेक पायरेट्स में है सिर्फ इनको ही उस चीज का ज्ञान दिया जाता है। अब देखो, यहाँ मांगा में बताया गया है कि वे लोग उस आइलैंड को ओकेजनली छोड़कर जाती हैं और एक बच्चे के साथ वापस आती हैं। अब तुम लोग खुद समझदार हो, नहीं वे लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं जाती हैं। माइथोलॉजी की माने तो वे लोग आसपास के विलेज, सोसाइटी या फिर कोई रैंडम पायरेट शिप में जाकर मर्दों को लुभाती हैं। अगर वे लोग नहीं मानते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती भी किया जाता है, जिसके बाद शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, फिर उनको मार कर छोड़ दिया जाता है और वे लोग वापस आ जाती हैं एक बच्चे के साथ। एनिमे और मांगा में बताया गया है कि मिस्टीरियस तरीके से सारे के सारे बच्चे फीमेल निकलती हैं। बट अगेन हम लोग अगर माइथोलॉजी को देखें तो मेल बच्चे बाय चांस अगर जन्म लेते हैं तो या तो उनको मार दिया जाता है या तो वहीं पे छोड़ दिया जाता है, एंड सेम चीज कूजा ट्राइब भी फॉलो करती है। अब अगर हम लोग स्पेसिफिक मांगा पैनल को देखें तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वे लोग वापस एक बच्चे के साथ आती हैं, प्रेग्नेंट होकर नहीं, यानी कि उनको पहले से ही मालूम रहता है कि बच्चा लड़का है या लड़की। मतलब मेल चाइल्ड को वहीं पे समझ रहे हो ना। अब आई नो ये चीज थोड़ा डार्क हो गया है और शायद इसीलिए ओडा सेंसेई ने इसको मिस्ट्री का नाम दे दिया। बाय द वे, अमेज़न लिली में एक रूल है कि इन सब के बीच कोई फीमेल किसी मर्द से प्यार कर बैठती है तो उनको मजबूरन उस आइलैंड को छोड़कर जाना होता है। मतलब समझ रहे हो, हैनकॉक जो कि लूफी से प्यार करती है, अगर उसको लूफी के साथ रहना है तो उसको उस आइलैंड को छोड़ना होगा। अब अगर कोई मर्द जात का मसीहा है तो मुझे ये बताओ कि अब क्या तुम इस आइलैंड में जाना चाहोगे? मैं तो यार अभी भी जाऊंगा, तुम लोग बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वन पीस रिलेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं अब सीधे एक महीने बाद। सिया बाय, टाटा।